गुड इवनिंग क्लास, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, चलो हम लोग आज पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जन्नी और पुरोहित आपका तो हुआ ही है, चलो फिर भी आप दोबारा सॉल्व करो। आप बाकी लोग यहाँ पे पेपर सॉल्व करेंगे, आप ऑफलाइन वाले। देखो आप लोग तो नए हो, आप लोग तो पोर्शन भी नहीं हुआ है सिंगल डे आपका, ठीक है फिर कोई बात नहीं। आप देखो इतना डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टार्ट करें, आप लोग भी तो नए हो, चलो स्टार्ट करते हैं। समझेगा समझेगा, एमटीएस क्या है, इजी होता है, बहुत इजी होता है। मॉर्निंग वाले वापस करा रहे हो? ओके ये सॉल्व करो। दीपा आप न्यू स्टूडेंट हो गया? दीपा आप न्यू स्टूडेंट हो गया? दीपा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। दीपा आपका वहां पे नाम मेंशन करो, आईफोन निकाल दो। ओके। और जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया उसके ब्रैकेट में लिख दो आपने उस ब्रांच में एडमिशन।
ऑनलाइन में हुआ किसी का? ऑनलाइन में हुआ? ओके, देखो यहाँ पे 5 आर्टिकल्स हैं, बैट बॉल फैन टेबल एंड चेयर। तो हम 5 आर्टिकल्स को इस तरीके से पुट कर लेंगे क्योंकि ये ऑर्डर और रैंकिंग वालों का क्वेश्चन है। इसका हुआ है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। द बैट इज 4 प्लेस अबव द फैन। बैट जो है 4 प्लेस अबव होगा फैन के। अगर मैं फैन यहाँ पर लेता हूँ तो 4 प्लेस अबव होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4। तो बैट यहां पर आएगा यहां पे। तो 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज रखना है, चाहे इजी पेपर हो चाहे हार्ड पेपर हो। द टेबल इज बिटवीन बॉल एंड चेयर, चेयर के बीच में आएगा। तो आपको ये पता है ना, टेबल को तो जगह फिक्स हो जाएगा यहां पर, या तो बॉल यहां पर आएगा या फिर चेयर यहां पर आएगा। सेम थिंग, बॉल यहां पर आएगा या फिर चेयर यहां पर आएगा। टेबल मैंने यहां पर ले लिया, बॉल स्लैश चेयर, यहां पे भी बॉल स्लैश चेयर। यहां पे किसी को पूछना है ऑनलाइन वाले बताइए, आप लोग क्लियर है? हाँ सर, समझा। ओके, द चेयर इज 3 प्लेस बिलो द बैट। चेयर जो है 3 प्लेस बिलो है बैट के। बैट यहां पर गिवन है, 3 प्लेस बिलो मतलब 1, 2, 3। चेयर यहां पर आएगा, अगर यहां पे चेयर आ गया तो यहां पर चेयर नहीं आ सकता, देन कौन आएगा? और ये मतलब ये भी सही है, चेयर और यहां पे आ गया, बन गया यहां पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे आंसर करना। विच आर्टिकल इज एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द टॉप? बॉल। ऑनलाइन वाले आंसर करो फटाफट। यस करेक्ट। सेकंड फ्रॉम द बॉटम, सेकंड फ्रॉम द बॉटम चेयर। चेयर। ओके, चलो रफ कर दो। चलिए ये सॉल्व करिए।
चलो सॉल्व करूं मैं, ऑनलाइन वाले बताइए सॉल्व करूं मैं ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा वेट करना है? सर, नहीं सर। ओके देखो यहाँ पे फाइव टीचर्स हैं, फाइव टीचर्स एच के पी आर आदित्य, फाइव टीचर्स एच के पी आर एंड टी आर सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। हम यहाँ पे सर्कल लेंगे, दो पॉसिबिलिटी रखेंगे, फाइव टीचर्स हैं तो सामने सामने एक बिठाएंगे, एक कहीं पर भी पुट कर दो आप, क्योंकि मैंने अभी तक आठ ही सिखाया था, फाइव नाइन ऑड नंबर का नहीं सिखाया था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी पुट कर सकते हो। देखो T इज बिटवीन H एंड R, T जो है इज बिटवीन H एंड R, तो T को यहाँ पे लेंगे, क्या आपको पता है कि R आगे आएगा फिर या H आगे आएगा? नहीं। तो एक बार H को यहाँ पे ले लो, एक बार R को यहाँ पे ले लो, T मैंने वापस मिडल में ले लिया, एक बार पीछे H आएगा आगे R आएगा, ठीक है? नहीं पता ना कि H पीछे आ रहा है फिर R पीछे आ रहा है, तो एक बार H को आगे ले लिया, एक बार H को पीछे ले लिया, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? ओके P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, P क्या है सेकेंड राइट में R के, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एक दो P यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड राइट, बट यहाँ पे सेकेंड राइट हो रहा है क्या, एक दो नहीं है क्या, तो ये गया। और H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, बचा बच्चा नाम क्या है K, यहाँ पे ले लिया। ओके देन पूछा क्या है क्वेश्चन में, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, P, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K R, P कैसे होगा? चलो रफ कर दो, रफ कर दो, लिखना है? नहीं सर होगा। आप लोगों ने लिखा? चलिए बताइए इसका क्या कोड होगा, कोडिंग डिकोडिंग जिसका हुआ है वो सॉल्व कर सकता है, फर्स्ट सीरीज वाले भी सॉल्व कर सकते।
डन सर। ओके सॉल्व करूं मैं। यहाँ पे देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेजेस रिजिड का कोड लिखा है यहाँ पर TFIFFP, then we have to find out cornet. What is the code for cornet is? देखो यहाँ पे हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इजी गिरेगा। मैंने आपको शायद ट्रिक बताया था कि अगर नजदीक का होगा तो आसपास का कोड होता है। इसे R से बन रहा है T, तो कितने कदम आगे जा रहे हो आप? दो कदम, then plus two, yes correct. I से F हो रहा है, I से F आप पीछे जा रहे हो, माइनस थ्री, तीन कदम पीछे आ रहे हो, एक दो तीन, देन माइनस थ्री, देन जी से आए देखो आप प्लस टू, यस, देन माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री, सेम सीरीज फॉलो हो रहा है सबने, ठीक है? क्योंकि देखो आई से एफ यहाँ पर भी हो रहा है, आई से एफ यहाँ पर भी हो रहा है, तो एक सीरीज फॉलो करेगा और यहां तक सीरीज सेम फॉलो किया मतलब आगे भी सेम फॉलो करेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है? अभी कॉर्नेट का भी कोड निकालना है। शुरुआत हो रही है प्लस टू से, यहाँ पे प्लस टू ले लो, देन माइनस थ्री, देन प्लस टू, माइनस थ्री, प्लस टू एंड माइनस थ्री। अब देखो सी का प्लस टू क्या होता है, डी और ई, पहला कदम दूसरा कदम, ई यहाँ पर आ जाएगा। ओ का माइनस थ्री, अब पीछे जाना है, पीछे आगे मतलब ये आगे होता है, पीछे जाना है, वन टू थ्री यहाँ पे एल आएगा। आर का प्लस टू दैट इज टी, एन का माइनस थ्री, वन टू थ्री के, E का प्लस टू एक दो जी, अगेन टी का माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, क्लियर है? राइट है? Yes, चलो रफ करू मैं, रफ करू, किरण म्यूट करो, थोड़ा घर का आवाज आ रहा है। चलिए सॉल्व करिए। ओके यहाँ पे देखो सिलॉस लिखा हुआ है, नो ए इज बी, ए और बी में नो करलेशन है, ऑल सी आर डी, क्या यहाँ पे सी आर डी है क्या? स्किप करो ये लाइन, यहाँ पे देखो सम सी आर बी, सी का कुछ हिस्सा क्या है? बी है, एंड ऑल सी आर डी, पूरा का पूरा सी क्या है? डी है। यहाँ पे बोले सम डी आर बी, क्या डी का कुछ हिस्सा बी है क्या? सम बी आर सी, बी और सी में देखो सम करलेशन है, ऑल सी आर बी, क्या पूरा पूरा सी बी के अंदर है क्या? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलो वाले ऑप्शन पे टिक करना है यहाँ पर, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर।
रफ कर दूं? एक मिनट लिख लेने दो सबको। चलो ये सॉल्व करके बताओ। आप लोग का आया आंसर क्या? फोर्थ वन न्यू स्टूडेंट्स नहीं मालूम पड़ रहा है। ओके ऑनलाइन में किसी का आंसर आया? ऑनलाइन में नो सर। ओके मैं सॉल्व करूं बताऊं ये कि आप लोग और टाइम चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए? नहीं सर आप सॉल्व करो सर। ओके यहाँ पे देखो ये फिगर फाइंड आउट करना है कि ये कौन से डायग्राम में है। ठीक है ये डायग्राम में है क्या ऐसा लाइन कुछ भी? अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, तो ये नहीं है। इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ऐसा ये सीधा क्रॉस हो रहा है, ये ऐसा नहीं बन रहा है। तो एक लाइन यहाँ पे भी चाहिए था। इट मीन्स यहाँ पर तो हो सकता था, ये रॉन्ग हो गया, ये तो बन ही नहीं रहा है। बट यहाँ पे आप देखो बना कि नहीं है। इट मीन्स ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट बताइए? क्लियर हो रहा है क्या? नो सर। नो सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जय लक्ष्मी क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं समझा सर और एक बार समझाओ। हाँ समझाता हूँ। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये देखो ये डायग्राम है, ये आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपको? बताओ जयलक्ष्मी इसमें दिख रहा है डायग्राम? ये यस सर। ये डायग्राम का पार्ट कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है? दिख रहा है जयलक्ष्मी बताओ? हाँ।
अरे बाबा ये डायग्राम जो है ना ये अधूरा है, देखो ऐसा बन रहा है ना, ये लाइन कहाँ पे है, ये है क्या लाइन यहाँ पर? नो सर। तो फिर कैसे होगा डायग्राम ये कंप्लीट, ये बताओ इसमें है क्या ये डायग्राम? नो सर। इसमें है? नो सर। अब इसमें देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसा बना जी, ये लाइन ये देखो हुआ कि नहीं? यस सर। ओके क्लियर सर, सब करो ना। चलो ये सॉल्व करो। सर 33। वेरी गुड किरण, वेरी गुड। बाकी लोग ऑनलाइन में बताइए। आप लोग का है आंसर क्या है? इनका नहीं है सर, नहीं फिर 33 आया, 33 समझा आपका आया? क्यों नहीं समझा आया? ओके आपका आया। देखो यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर ओ के का यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है 44। आर का कोड क्या है यहाँ पर, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे आर का कोड क्या है 18 यहाँ पे ले लो, ओ का कोड देखो यहाँ पर और के का कोड देखो 11। काउंटिंग करोगे ना आप तो 44 आएगा, मीन्स इसको ऐड करोगे तो। वैसे ही मिक का भी 29 आएगा। सेम पैटर्न में हमें टेल का निकालना है, E20 A1 L12 दैट इज 33, मतलब 20 प्लस 1 प्लस 12 33। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। यस सर। ओके आप लोग को समझा, इजी है ना? चलो रफ कर दू मैं, लिख लिया आप लोगों ने? Thank you.
पीछे कोई नहीं बताएगा, स्पेशली बोथ ऑफ यू, ठीक है? पता है ओके, यहाँ पे देख लो, विच टू साइन नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, ये आपको दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन के थ्रू जाना होता है। कौन सा दो साइन को आप इंटरचेंज करोगे, जैसा प्लस बनेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनेगा प्लस, तो ऐसा करके आपको इक्वेशन चेक करना है कि इक्वल 56 आना चाहिए। तो बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। So minus and plus. Okay, Kiran, आपका आंसर आ गया, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। गुड, लेकिन गुड गुड। ओके, यहाँ पे देख लो, ऑनलाइन वाले देख लो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे बोला विच टू साइन नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस होगा, ये दो साइन इंटरचेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ प्लस दिया हुआ है, उसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई कर लो, और ये मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस कर लो। आप गौर करना, देखो आपको सॉल्व करते हुए नहीं बैठना है, आपको देखना है, ओरली देखना है, क्या ये 56 तक आएगा क्या, जरा गौर करो। 14 मल्टीप्लाई बाय 56 अराउंड 700 के आसपास जाएगा। क्या पीछे का इक्वेशन इतना स्ट्रांग है क्या कि ये 56 तक ला सकता है? नहीं ना, जैसे यहाँ पे 700 है, कितना भी आप डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन करो 56 तो नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत आगे नंबर चला गया। तो ये तो पहला वाला वैसे ही कट हो रहा है, क्लियर? अब यहाँ पे भी देखो, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस सेम ही है, सीधा कैंसिल, फोर्थ पे आ जाओ,
मल्टी, ये माइनस और मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह पे चला जाएगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे चला जाएगा माइनस, बरोबर। ओके 73 मल्टीप्लाई बाय 13 अप्रोक्स 800 पार। क्या आगे का इक्वेशन इतना स्ट्रॉन्ग है क्या कि वो 56 तक ला सकता है? आपके दिमाग में आएगा कि 14 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय ये माइनस करने के बाद सॉरी ये 42 डिवाइडेड बाय 14 करोगे तो 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करो कितना बार भी करो तो नंबर बढ़ने वाला ही है, कम नहीं होगा। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया, लास्ट में यही बचा ना, आंसर तो यही होगा लेकिन हम क्रॉस चेक करेंगे। माइनस प्लस हो रहा है, देखो प्लस के लिए चला जाएगा माइनस और माइनस के लिए चला जाएगा प्लस। अब देखो हाँ प्लस 14 डिवाइडेड बाय 14 42 डिवाइडेड बाय 14 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो 39 प्लस माइनस आसपास नंबर घूम रहा है 56 के, दैट मींस ये करेक्ट आंसर है। वेरी गुड किरण, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग ने किया। सिर्फ ऐसी लॉजिक लगाना है, सॉल्व करते नहीं बैठना, क्लियर? आपको मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन आता रहेगा तो ये इजी है। हाँ बोर्ड मार्क्स, चलो रफ कर दूं मैं। चलिए ये सॉल्व करिए। सर ESICS के एग्जाम में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स के लिए आता है? ESICS का क्या बोल रहे हो? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स के लिए आएगा? ESICS के लिए कौन सा एग्जाम दे रहे हो आप? हाँ UDC का। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड करता है, वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो जहाँ तक मेरा मानना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत रेयर आता है आपको। पैरा जंबल ज्यादा होता है, फिल इन द ब्लैंक ज्यादा होता है, मिसस्पेल ज्यादा होगा, ये सब ज्यादा होते हैं, मींस स्पॉट द एरर ज्यादा होगा, इजी वाले। रीडिंग कंप्रेशन अगर आया तो बहुत इजी वाला आएगा। ओके और रीजनिंग और ये रहेगा ना? रीजनिंग में जो पढ़ा रहा है इसके बाहर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 80% ये। ओके सर। ओके डन, यहाँ पे देखो, नहीं हो करो 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 सर एक सेकंड करो ना।
सही कर रहे थे। हाँ करो करो किरण करो सॉल्व करो, ये ट्राई करो। आपका नाम, मैं देखो बार बार भूल जाता हूँ, क्या नाम है? किंजल हिरल हिनल, मैं भूल जाता हूँ ऐसे सर। सर आप नहीं भूलते। मैं हाँ मैं नहीं भूलता, बरोबर किरण, मेरे को ऐसा भूलना पड़े हमारा। सर 60 आएगा। 60 इज करेक्ट। कृष्णा आती है बहुत मस्ती हो रहे। चलो यहाँ पे देखो 35 का हो रहा है 66, 35 का हो रहा है 66, कितने का डिफरेंस है? 31। तो यहाँ पर भी 31 का डिफरेंस होगा, कितना हो जाएगा? क्योंकि ये इसमें से बढ़ रहा है ना प्लस होके। सिंपल क्या था इसमें, मैं बोला ना एमपीएस का एग्जाम है तो थोड़ा लेवल इजी है। चलो डन, अगला क्वेश्चन ले ले। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सेवन आएगा। देखना पड़ेगा लेकिन आप सही हो, गुड। चलो यहाँ पे देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेजेस पिंग में कितने वर्ड्स हैं? 4, इसका कोड भी 4 रखा। अरे यार पापा, मेटल में कितने वर्ड्स हैं? 5, यहाँ पे 5 रखा। अब यहाँ पे स्टडीज में कितने कोड है? 7, तो 7 ही आएगा ना। देखो कितना इजी है, ऑनलाइन वाले समझा कि नहीं समझा? ऑनलाइन वाले बताइए समझा कि नहीं समझा? यस सर। ओके
चलो रफ करो। चलिए ये वाला सॉल्व करिए। सर सी फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला किरण। ओके चेक करेंगे फर्स्ट वाला। ओके गुड गुड चेक करते हैं। आप लोग का वो, आप लोग का हुआ क्या है सर फर्स्ट? मैंने तो पढ़ा है नहीं, कैसे आया? पहले वाला किया था इसके लिए। ओके गुड। आपका चांदनी मानसी आया। ओके यहाँ पे देखो, सम रेड आर रैट। रेड का कुछ हिस्सा क्या है? रैट है। सम रैट आर वाइल्ड, कुछ रैट क्या है? वाइल्ड है। सम वाइल्ड आर रैट, क्या वाइल्ड रैट है? क्या है कि नहीं है? ओके ऑल वाइल्ड आर रैट, क्या पूरा पूरा वाइल्ड रैट के अंदर है? ये रॉन्ग हो जाएगा। सम रेड आर वाइल्ड, सम रेड आर वाइल्ड है क्या? सम का कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। दैट मीन्स ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। रफ कर दो इसे मैं, लिख रहे हो आप लोग? चलो सीरीज फॉलो करो, सीरीज क्वेश्चन मार के देखे आएगा।
ओके सॉल्व करूं मैं, यहाँ पे देखो सर 106 है क्या? यस 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 106 किरण। ओके यहाँ पे देखो, जब भी आपका सीरीज का नंबर आसपास हो ना, तो आप डिफरेंस से एक सॉल्व करो। आपको इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस मतलब गौर करना, ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अगला वाला क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36, ये ऐड करेंगे क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके चलो रफ कर दूं। हाँ लिखो लिखो। लिख लिया डॉक्टर? चलिए सॉल्व करिए, मॉर्निंग में सॉल्व करिए।
चलो सॉल्व करें इसे, सॉल्व करूं मैं यहाँ पे, नहीं ओके यहाँ पे देखो, सिक्स लैपटॉप्स आर देयर इन अ रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ। देखो यहाँ पे मैं छह लैपटॉप लेता हूँ, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, दो पॉसिबिलिटी लिया, सिक्स लैपटॉप यहाँ पे गौर करना। एन इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एन प्लेस कर रहा है इमीडिएट लेफ्ट में ए के, पूरा ध्यान यहाँ पे है। एन इज प्लेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए का इमीडिएट लेफ्ट एन यहाँ पर आएगा, बट हमें नहीं पता एन कहां पर बैठेगा, ए कहां पर बैठेगा, क्योंकि छह नंबर से अगर बिठाने की कोशिश करूंगा मैं ए और एन को, तो यहां पर भी बैठ सकता है ए और एन, यहां पर भी बैठ सकता है ए और एन, ऐसा करके बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। इसको स्किप करो, ये क्लू है, इसकी तरह यहाँ पे रखो। आर इज प्लेस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो है प्लेस कर रहा है सेकेंड लेफ्ट में किसके, क्यू के। पी इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, पी जो है ए यहाँ पे लिखा है ना, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, पी यहाँ पर आ जाएगा। P is placed to the immediate right of R, यहाँ पे हो गया R, चार तो बनी गए यहाँ पे, और R का second right Q, एक दो तीन चार पांच, पांच ही है ना। L is placed to the left of N, क्या ये कुछ भी तो नहीं था, ये मैं कैसे समझाऊ, इतना इजी समझाने में मेरे को शर्म आ रहा है, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, गौर कर रहे हैं यहाँ पर, n इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ a, n क्या प्लेस कर रहा है इमीडिएट लेफ्ट में n के, ये क्लू बना, एक डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता मैं। r इज प्लेस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ q, r प्लेस कर रहा है सेकेंड लेफ्ट में q के, क्योंकि अगर q नॉर्थ प्लेस करेगा तो r इस तरफ आएगा। P is second to the right of A. P यहाँ पर second right में होगा किसके, A के, तो P यहाँ पर आ गया। Online वाले clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes sir. जिसका portion हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ है वो सिर्फ observe करें यहाँ पे। P is placed to the immediate right of R. P जो है immediate right में है R के, और R के second right में कौन है, Q है ना, तो देखो आगे फर्स्ट रेट में ये आ गया, सेकेंड रेट में क्यू ले लिया। टोटल सिक्स लैपटॉप्स हैं, अभी कितना बना, एक दो तीन चार पांच, एक और पेंडिंग है। एल इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एन, एल इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एन, मतलब यही आएगा, डायरेक्टली बन गया, कुछ पॉसिबिलिटी देने की गरज ही नहीं पड़ रहा, लो बन गया, सेम था, इजी है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, विच लैपटॉप इज प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एन, गुड, इजी है, चलो रफ कर दूं मैं इसे। ये पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग वाला है, इसको ऑप्शन के थ्रू बताओ मुझे क्या सही आएगा। अरे मेरा डायग्राम वही, इसके लिए छोड़ देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे बताओ, इसका
इसका पेपर पूरा ओपन करने के बाद वो कटिंग वाला कैसा आएगा? हाँ बताओ, बनाओ बुक में बनाओ। हाँ चलो मैं बना के दिखाऊं। यहाँ पे देखो आप, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, पहले कॉन्सेप्ट देख लो आप। देखो यहाँ पे बोला है एक ब्लैंक पेपर है, मैंने ब्लैंक पेपर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये बोला है कि इस तरह फोल्ड कर रहा, मैंने इस तरह फोल्ड किया, फिर ये ना पेपर इस तरीके से बन गया। देखो ये डार्क लाइन दिख रहा, डॉट वाला नहीं बोल रहा हूँ, डार्क लाइन इस तरीके से बन गया। फिर उसने क्या किया, दोबारा फोल्ड किया, तो मैंने दोबारा फोल्ड किया, फिर ये पेपर इस तरीके से बन गया। और ये पेपर में इन्होंने इस यहाँ पे इन्होंने ऐसा राउंड किया, यहाँ पे इन्होंने ऐसा राउंड किया, यहां से कट किया और यहां से कट किया। तो पेपर इसका कैसा आएगा, पेपर मतलब ओपन करने के बाद कैसा आएगा, आप गौर करना। देखो आप ना कभी भी ना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप पीछे से सॉल्व करो, क्योंकि इजी गिरेगा। पहले आप पेपर कैसे ओपन करोगे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से ओपन हो गया, फिर कैसे ओपन करोगे नीचे, फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से पेपर को ओपन करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी यहां पर दिया हुआ है इतना, पहले हम लोग पेपर का पीस ले लेते हैं, बरोबर। ये पेपर का पीस ले लिया हमने, बरोबर। फिर हम लोग इसको इस तरफ से फोल्ड करने वाले थे, राइट। इसका ना इमेज निकालो, मिरर इमेज। देखो ये जीरो पास में, तो इसका जीरो भी पास में आएगा। फिर इसका कटिंग यहाँ पे कट ले लो, इसका कट मिडल में इस तरह कट आएगा और ये एज इट इज आएगा। इस तरीके से मैंने पेपर ओपन किया, ठीक है। फिर ये पेपर ओपन हो गया आधा, फिर इसको नीचे भी तो ओपन करोगे ना, ऐसा रिवर्स जाते हैं। पहला स्टेप लेके देख लिया, सेकंड स्टेप में ये मिला, फिर थर्ड स्टेप में ये मिलेगा, फिर इसको अगर जब हम ये इधर लेंगे तो ये वाटर इमेज हो जाएगा। वाटर इमेज मतलब नीचे की तरफ आता है। तो ये दोनों जीरो पास में, तो ये जीरो पास में होगा। फिर ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ये जो है ये कटिंग यहां पर भी आएगा और ये कट यहां पर भी आएगा। सेम थिंग, ये कट यहां पर लिया और ये कट यहां पर लिया, देखो बन गया। क्लियर है? आप कभी भी पेपर कटिंग हो या पेपर फोल्डिंग हो, ऑलवेज रिवर्स में ही सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है या नहीं। यस सर। ओके, रफ कर दूं क्या? मैं रफ कर दूं? अरे ऑनलाइन वाले बताइए क्या मैं रफ कर दूं? जागो ग्राहक, जागो जल्दी बोलो। ओके, आप लोग का क्लियर है यहाँ तक? चलो ये सीरीज फॉलो करो। सीरीज क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे।
96 96 रॉन्ग है, 96 नहीं आएगा। एक सौ पांच रॉन्ग है, 106 गुड। चलो मैं सॉल्व करूं, ऑनलाइन वाले बताइए मैं सॉल्व करूं क्या? यस सर। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो आप 31, देखो मैंने बताया था नंबर जब पास का हो तो डिफरेंस निकालना है, इसका मैं अगर डिफरेंस निकालूं कितना आएगा, इसका अगला वाला क्या आएगा? और 105 कौन सा कैलकुलेशन है, 9 + 7 = 6 तो ऐसे ही हो रहा है, क्लियर? ऑनलाइन वाले क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? यस सर। ओके रफ करो, रफ करो क्या मैं? देखो ये है ना, इसको ये पैटर्न फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, मैं ऑप्शन देता हूँ, डी। किसने बोला डी? आप लोग सॉल्व करिए, वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड।
चलो सॉल्व करूं मैं। ओके यहाँ पे देखो आप, ये ना पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप गौर करो यहाँ पर, यहाँ पर एम पहले आया, नेक्स्ट लेटर क्या है एन, फिर उन्होंने एन को पहले लिया, उसके नेक्स्ट लेटर क्या है के, फिर उन्होंने के को पहले लिया, उसके बाद क्या है ब्लैंक, देन ब्लैंक को पहले लिया, फिर उसके बाद क्या आएगा वापस एम आएगा ना। तो देखो एम वाला कौन सा है, ये है, ये है और ये है, राइट। ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं, ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है नहीं। ओके एम तो ले लिया, यहाँ पे के देखो उल्टा है ना, ये तो गया, के उल्टा है क्या, सीधा ही है ना। ओके अब ये देखो, ये एरो इस तरफ है, ये एरो इस तरफ है, फिर ये एरो इस तरफ हुआ, वो एरो वापस उस तरफ हुआ, फिर वापस क्या होगा इस तरफ होगा, और इस तरफ होना ये है क्या, नहीं, ये हो गया राइट। क्लियर हुआ, ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है, ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है क्या। ओके रफ कर लूं मैं इसे, आगे बढ़े क्या। हाँ यहाँ पे देखो, देखो पहला इसमें एम दिया है, सेकंड डायग्राम में गए ना तो ये एन को फर्स्ट पे ले लिया, थर्ड डायग्राम पे गए तो के को फर्स्ट पे ले लिया, फोर्थ डायग्राम पे गए तो ब्लैंक वाले को फर्स्ट पे ले, फिर किसकी बारी आएगी एम की, लप्पा छुपी खेलो, लप्पा छुपी की बारी है यहाँ पे, देन कौन आएगा एम। अब देखो एम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, एम यहाँ पर भी राइट। यहाँ पे देखो एम एन के, के उल्टा है यहाँ पर, ये जाएगा, बचा दो ऑप्शन, ये वाला और ये वाला राइट। देखो ये जो है ट्रायंगल फॉर्म में जो बना है इस तरफ है, देन इस तरफ हो गया, वापस इस तरफ हुआ तो वो क्या हो गया उस तरफ, फिर क्या होगा उसके बाद क्या आएगा उस साइड, कैसे होगा ये इस तरफ हुआ है, इस साइड होगा, इस साइड वाला यही है ना, ये देखो वो साइड पॉइंट है, इट मीन्स ये करेक्ट। नहीं ये एक मिनट, रोटेशन वाला है, रोटेशन वाला फिगर होता है, देखो ये तीन आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, इन तीन सब्जेक्ट में आपको ये चेक करना है कि कौन सा वेन डायग्राम फॉलो होगा। कौन सा वेन डायग्राम फॉलो होगा, इसका वेन डायग्राम हुआ है वो बता सकता है सिलॉक्स के पैटर्न के साथ। आपको यहाँ पे दिया है पेंटर, लॉयर और सिंगर, ठीक है, पता नहीं आदित्य, मुझे पता नहीं, ऑनलाइन वाले बताइए, थर्ड है क्या ये वाला। ओके हाँ यस सर,
फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, पेंटर दिया है, लॉयर दिया है, सिंगर दिया है। जिसका सिलॉक्स का चैप्टर हुआ रहेगा उन्हें थोड़ा समझेगा, सिलॉक्स का पार्ट होता है वेन डायग्राम जो एसएससी में पूछा जाता है, बट हम लोग बैंकिंग में कवर नहीं करते हैं। तो मैंने आपको सिलॉक्स का समझाएगा, उसके बेस पे मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको रिलेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। देखो पेंटर यहाँ पे लिखा है, ऑल पेंटर, क्या पूरा पेंटर लॉयर होता है क्या? हो सकता है कुछ भी हो, पूरा का पूरा पेंटर क्या लॉयर होता है क्या, या पूरा का पूरा लॉयर सिंगर होता है? ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या पेंटर जो पेंटर होता है क्या वो लॉयर नहीं बन सकता? बन सकता है, जो लॉयर हो क्या सिंगर नहीं बन सकता? तो ये भी रॉन्ग हो रहा है, ये भी रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे देखो, पूरा पूरा पेंटर क्या लॉयर होगा? नहीं ना, तो ये भी रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखो, ये राइट क्यों हो रहा है ये समझो। कुछ पेंटर लोग लॉयर भी हो सकते हैं, कुछ लॉयर सिंगर भी हो सकता है, कुछ सिंगर पेंटर भी हो सकता है, कुछ पेंटर लॉयर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है। मतलब ये तो प्रोफेशन है ना, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा साइड बाय साइड में कुछ भी बन सकता हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, उसे पढ़ाते ही बैठूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ ना। मतलब सिंगिंग कर सकता हूँ, तो मैं सम टीचर सिंगिंग करते हैं, सम टीचर लॉयर होते हैं, डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट वाला राइट होगा। चलो क्लियर है, समझ रहा है? रफ कर दूं मैं? लिखना था क्या, लिखना था, लिखना था क्या? चलिए बताइए क्या आएगा। सर लॉयर फर्स्ट। ओके ओके चेक करते हम लोग लॉयर। ओके यहाँ पे देखो कलर क्या है, रेड। कलर को यहाँ पे रेड बोला है, तो प्रोफेशन क्या आएगा, ऑप्शन के थ्रू जाना है। लॉयर प्रोफेशन है कि नहीं, है ना? कोर्ट प्रोफेशन है क्या, तो फोरम है ना, स्कूल प्रोफेशन है क्या, ब्लैक प्रोफेशन है क्या? सिंपल है, लॉयर आंसर आएगा। सिंपल था,
ऑनलाइन वाले क्लियर है बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है या नहीं है। यस सर। ओके रब कर दूं। चलो ये सॉल्व करो।
चलो मैं सॉल्व करूं, आया आंसर? नहीं है? आया? ओके यहाँ पे देखो ग्राउंड का कोड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी एम जे पी आई वाई, देन आपको फ्रिक का कोड निकालना है यहाँ पर। ओके यहाँ पे आप गौर करना, गौर करो यहाँ पर जी का यहाँ पे बी कोड बन रहा है, तो जी से बी आप कितने कदम पीछे आ रहे हो, एक दो तीन चार पांच, तो माइनस फाइव कदम पीछे आ रहे हो आप। आर से एम में कितने कदम पीछे आ रहे हो, एक दो तीन चार पांच, अगेन माइनस फाइव। ओ से जे में कितने कदम पीछे जा रहे हो, एक दो तीन चार पांच, माइनस फाइव। यू से पी में देखो कितने कदम जा रहे हो पीछे, एक दो तीन चार पांच, माइनस फाइव। एन से आई में एक दो तीन चार पांच, देन अगेन माइनस फाइव। ठीक है, तो फ्रिक में भी माइनस फाइव करेंगे तो देखो एफ का माइनस फाइव करेंगे कितना आएगा, एक दो तीन चार पांच ए आएगा। आर का माइनस फाइव करेंगे तो एक दो तीन चार पांच एम आएगा। ई का माइनस फाइव, एक दो तीन चार, देन यहां से रिटर्न पांच जेड। ए का माइनस फाइव, अगेन रिटर्न होंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच वी। के का माइनस फाइव, एक दो तीन चार पांच एफ। ऑनलाइन में आंसर आया इतना, सबका आया सेम? ऑनलाइन वाले बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है? ओके आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देन हम लोग स्टॉप करेंगे। रफ करू ना, चलिए ये सॉल्व करिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो क्या, मैं आया आंसर? न्यू स्टूडेंट्स आप लोग को नहीं आया? आया गुड। ऑनलाइन में किसका आया? ऑनलाइन में, ऑनलाइन में बताइए किसी का आया। चलो मैं सॉल्व करूँ क्या? ओके यहाँ पे देखो आप, इसको सॉल्व करने का इजी वे बताता हूँ। सिंगल सिंगल पेयर पे जाओ, मींस ए का कंपेयर सी से करो, आर का कंपेयर यू से करो, देन फर्स्ट का कंपेयर फर्स्ट से, सेकंड का कंपेयर सेकंड से, फर्स्ट का कंपेयर फर्स्ट से, सेकंड का कंपेयर सेकंड से। ए से सी कितने कदम पीछे आगे जा रहे हो आप, एक दो। सी से कितने कदम आगे जा रहे हो, एक दो। ई से कितने कदम आगे जा रहे हो, एक दो। तो जी से भी कितने कदम आगे जाओगे, एक दो। आए आ गया पहला, लास्ट के देखो आर है, आर से यू जा रहे हो आप,
कितने कदम आगे जा रहे हो, एक दो तीन, ठीक है। फिर यू से एक्स कितने कदम आगे जा रहे हो, एक दो तीन। फिर एक्स से कितने कदम आगे गए, एक दो तीन। देन आगे भी ऐसे कितने कदम जाओगे आप, एक दो तीन। आईडी शो मी योर आईडी। चलो ये नोट डाउन कर लो आप लोग। मैं ऑनलाइन मोड से पूछना चाहूंगा कि जितना भी अभी तक क्वेश्चन लिया सब कुछ क्लियर है, एनी डाउट? नो डाउट। ओके, आप लोगों को डाउट है पूछना है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत इजी है, यही होता है एमटीएस का लेवल। आपको फॉर्म भरना चाहिए था, जिसने नहीं भरा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर। तो इसके पहले एक सिलेक्शन ले लो। चलो क्लियर है सेशन? चलो फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। चलो क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। Thank you.